జార్ఖండ్లోని రాంచీ ఇండియా కూటమి నేతలు భారీ ర్యాలీ తీశారు. ఆ తర్వాత ఎన్డీఏ సర్కార్ నియంతృత్వ పాలనకు వ్యతిరేకంగా నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. బీజేపీ నేతలు కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా ఎన్నికైన నాయకులను అరెస్ట్ చేస్తున్నారన్నారు కూటమి నేతలు. మోదీ పదేళ్ల పాలనలో దేశంలో నిరుద్యోగం, పేదరికం మాత్రమే వృద్ధి చెందాయన్నారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఓటు హక్కుతో బీజేపీకి బుద్ధి చెప్తారన్నారు. కేంద్రంలో ఇండియా కూటమి ఏర్పడితేనే రాజ్యాంగానికి, ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షణ ఉంటుందన్నారు కూటమి నేతలు. बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है, उनको देश को नंबर वन बनाना है. जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे. कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है. वाकई बहुत गंदी चीज है. देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है. कितनी शर्म की बात है. शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे. मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को. ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते. अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है. अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं. मन में बस एक ही बात है, आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं. जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है. जेल से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है. उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे. केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है. मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा. कहां गया मोदी जी नौकरी? भाइयों बहनों, काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा. आप लोगों के खाते में पैसा आया क्या? आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा आ गया. इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ आ गया. और मोदी जी, एक वादा पूरा नहीं किया उन्होंने. किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में, सभी कच्चे मकान को पक्का मकान बना देंगे, मेक इन इंडिया. क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, एक वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया. लेकिन देश की समस्याओं को नहीं दिखाया जाता. तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम बस एक ही संदेश देंगे कि देखो, हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं, हम लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, और देश में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा दुश्मन महंगाई है. इसलिए कलम बांटने वालों का साथ दो जो नौकरी देगा, ना कि तलवार बांटने वाले का साथ दो जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करता है. 2025-26 तक के लिए इसको टाल दिया गया. यह विषय वर्तमान लोकसभा चुनाव के बाद फिर से राज्य के सामने आने वाला है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है. झारखंडी सदियों से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है. जल जंगल जमीन के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है, और आज के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है, और इनके 10 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित क्षेत्रों पर इनकी बुरी नजर है. उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, विगत कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, वहाँ के आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पूरा देश देख रहा है, पर केंद्र सरकार चुप है. आज तक केंद्र सरकार ने कोई सूद नहीं ली है. ये है इनका आदिवासी प्रेम. भाजपा ये न भूले
कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं। ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इसी तरह हमारा नौजवान जानता होगा, इन नौजवानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो 10 साल में नौकरी तो दूर। इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं।